बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। 4:30 का टाइम था और मैंने कहा चले मैं कितने दिनों के बाद आज छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ। तो पहले उस्मान सो रहा था, फिर काम शाम किया, ख़त्म किया और फिर उसके बाद मैंने कहा चले मैं छोटा सा ये बना लेती हूँ व्लॉग। और उस्मान की भी आवाज़ें आ रही होंगी बीच में। तो कोई चीज़ भी नहीं छोड़ता, ये टेबल पे भी इसी तरह। अगर इसको मैं इसके ऊपर वो डाल देती हूँ शीट वगैरह या कोई पला वगैरह तो ये उठा लेता है और कुछ भी नहीं छोड़ता, हर चीज़ उठा के नीचे फेंकता है। तो काम शाम तो वैसे इस वक्त इतना है कोई नहीं। हांडी भी मेरी बनी हुई है और आज मैंने फ्रिज साफ़ करना था लेकिन टाइम नहीं मिला। यहाँ पे कोई लाइट वगैरह भी नहीं है तो ये टमाटर थोड़े से पड़े हुए हैं और काफ़ी फ्रिज मेरा गंदा हुआ हुआ है, मुझे वो टाइम ही नहीं लगा कि मैं साफ़ कर दूँ। तो कुछ मसरूफ दिन थे और यहाँ से भी मैंने फिर सारा उठा लिया, इसमें मैंने बचाया हुआ था कपड़ा था। और तो असर की अजानें हो रही हैं, मैंने कहा चलें छोटी सी वीडियो बनाती हूँ। और ये मेरा किचन, ये तो 20 दफ़ा आप लोग देख भी चुके हो। और बस दुआ करें घर चेंज करूँगी, ये बस ये थोड़े से बर्तन हैं चाय शाय वाले और ये अभी धो के रखती हूँ। तो सुबह के टाइम बादल बने हुए थे और अच्छी खासी बारिश हुई है पिंडी में और अभी देखें इतनी कड़क धूप निकली हुई है। मैंने कहा चले मैं कुछ काम वगैरह तो है नहीं इस वक्त और बाहर मेरे पौधे इनको पानी देती हूँ फिर उसके बाद और काम करती हूँ। और उस्मान शुक्र करता है कि मैं बाहर का दरवाज़ा खोलूँ ताकि ये दौड़ के बाहर चला जाए। और आगे सीढ़ियाँ हैं, फिर मुझे डर लगता है कि ये कहीं सीढ़ियों पे ना गिर जाए, सीढ़ियों से नीचे। उस दिन भी एक बच्चा गिरा है यहाँ से। तो कपड़े कुछ धोए थे वो इधर ही पड़े हुए हैं। हैं क्या कर रहे हो उस्मान? उस्मान गनी इधर आओ। तो बस असर की अजानें हो रही हैं और नमाज पढ़ती हूँ फिर उसके बाद मिलती हूँ जी। और जी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, ये दूसरा दिन है और मैंने छोटे छोटे ऐसे क्लिप ले लिए थे तो ये उसके। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोचा कमरे से मैंने लगा दिया है, उस्मान बैठे। और किचन से भी यहाँ से भी मैंने अभी अभी बस लगाया, ये देखें अभी खुश्क नहीं हुआ। तो घर चाहे जैसा भी है लेकिन साफ़ सुथरा तो रखना चाहिए ना। तो मैं दो टाइम फिर लगा लेती हूँ कि मैं कह रही हूँ चलो मिट्टी शिट्टी होती है, मेरा बच्चा खेलता है तो इसलिए भी लगाती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है फ्रिज के आगे से। और ऐसे मैं सुबह के वक्त धो लेती हूँ तो पिछले टाइम फिर मैं इस पर पोछी लगाती हूँ और दो टाइम सफाई रखती हूँ मैं इसकी ताकि ये साफ़ सुथरा रहे। वैसे भी तो ये प्लस्तर शलस्तर हुआ हुआ है, सिर्फ पेंट शेंट भी नहीं हुआ तो वैसे भी गंदा। अगर वो थोड़ा सा भी इसमें कोई सफाई ना हो तो फिर ये साफ़ नज़र आता है कि घर गंदा पड़ा हुआ है। और ये मैं बरामदे से लगा के दूसरे कमरे में आ गई हूँ, अब सोफे के नीचे से लगा रही हूँ। देख सारा मैंने लगा दिया उधर और उस्मान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं तो मैं पोचा लगा के फिर मिलती। और जी सारे पोचे शोचे लग गए, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया और बस डस्टिंग रहती है वो करती हूँ। अभी मोटी मोटी कर लूँगी बकाया सुबह के वक्त में कर लेती हूँ। तो उस कमरे से भी लगा दिया मैंने और अभी ये चटाई पे, यहाँ पे रात को दस्तरखान लगाते हैं, दिन को तो कभी लगा लेती हूँ, कभी जो अकेली होती हूँ प्लेट में डाला तो चारपाई पे बैठ के खा लेती हूँ लेकिन रात को यहाँ डालती हूँ। और यहाँ पे मैं ये साफ़ कपड़े सर्फ से धो के, एक दफ़ा सर्फ का लगाया
और एक दफ़ा मैं लगा रही हूँ सादे पानी उसको धो के, चले ये भी साफ़ हो जाएगी। तो साफ़ चीज़ तो हर इंसान को अच्छी लगती है, साफ़ सुथरी हो तो नमाज भी पढ़ लेते हैं इतनी। इसी कमरे में तो साफ़ होना चाहिए हर चीज़, नमाज ही होनी चाहिए। ये देखें ये सारा साफ़ हो गया, चटाई भी डाल दी साफ़ हो गई, तो उस्मान आ गया। तेरा गंजा सरोड़ा आ रहा है उसमें, गंजे उस्मान। और अब बारी आती है डस्टिंग की, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक और शेयर करें। काम इतना कोई ख़ास होता नहीं है मुझसे, मैं खुद भी शुगर की मरीज़ हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहूँ वीडियो वगैरह। तो इसकी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, इतनी मिट्टी दूर यहाँ से आती है, जाली तो है लेकिन वो नहीं है, शीशा नहीं लगाया हुआ है इन्होंने। और ये देखें रूम कूलर पे कितनी मिट्टी है, तो बस इस डस्ट की वजह से और इस तरह इस मसले से हम देख रहे हैं। मकान आगे पीछे कहीं मिल गया, अब किराए भी 20,000-25,000। 5 मरले का घर होता है, नीचे मालिक मकान खुद होते हैं, ऊपर वाला 1-2 कमरे बनाए होते हैं उन्होंने किराए के लिए, और उसका 25,000 और 20,000 रुपया किराया हो गया। पता नहीं गवर्नमेंट ने इतना वो हुकूमत ने बढ़ाया रेट चीज़ों का या नहीं बढ़ाया, लेकिन जो हमारे ये आम आवाम है इन्होंने तबाही और बर्बादी कर दी है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बंदा पूछने वाला नहीं, अपनी मर्ज़ी से किराए बढ़ा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ हो रही है। मीटरों के साथ भी इन लोगों ने ऐसे दखल अंदाजियाँ की होती हैं कि वो चलाओ और इनका कम बिल आता है और किराएदारों का इतना ज़्यादा ज़्यादा बिल आता है, इतनी कोई ऐसा कोई सिस्टम इन्होंने किया है। सब जगह ये सब जगह यहाँ पे एक जगह की बात नहीं है कि सिर्फ ये सी घर में, ये हर जगह में हो गया पिंडी में। उस्मान क्या मसला है, चलो पीछे हो जाओ, चलो निकलो निकलो यहाँ से निकलो, अरे निकल, चलो 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 पीछे, चलो पीछे, चलो पीछे, चलो पीछे, चलो चलो ना मुझे गुजरने दो। और ये छोटी सी वीडियो थी जी, एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।